आज मौसम बड़ा प्यारा है। यूकी, ये हॉर्न कौन बजा रहा है? मरीना हैरान मत होना, शार्कों का अंदाज यह है पुराना। तुम अपना दिल थाम क्या बैठना। शार्को अचानक रोडपति से करोड़पति कैसे बन गया? मैडम जी कैसी लगी मेरी एंट्री? आओ आओ मैडम जी, गड्डी में बैठ जाओ। यूकी, मुझे तो अपनी आँखों पर यकीन नहीं हो रहा। क्या तबला तोड़ कार लाए हो शार्को? ये इंजन को चलाने का तरीका भी बहुत अलग है। बिल्कुल रॉयल कार है। पता नहीं मैडम जी का बचपना कब कम होगा। भाई बोले तो जो मैं सोच रहा हूँ वही तुम भी सोच रहे हो क्या भाई? लगता है मैडम जी बोर हो रही हैं। बटन दबाते हैं इनका मूड बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये फूल किस लिए? प्यारी प्यारी मैडम जी के लिए। वो रहा ज़िग और उसका दोस्त सर्किट। चलो उनकी मदद करते हैं। यूकी, मैं बीमार को देखकर ही बीमारी का इलाज बता सकती हूँ। बोले तो अंदर जाके इलाज करो। सर्किट मेरे यार, तेरा आइडिया तो रॉक है यार। इसका आइडिया तो रॉक था, लेकिन तेरी किस्मत हमेशा की तरह फ्लॉप है। ओए ज़िग के बच्चे, हमेशा एक बात याद रखना, पाँव में लगी मोच और गंदी सोच लेके कोई आगे नहीं बढ़ सकता। यू ही मैंने गाड़ी स्टार्ट कर दी। ज़िग, ये रही तुम्हारी गाड़ी की चाबी। ज़िग कहाँ है? मुझे नहीं पता मैडम जी। ऐसे कैसे पता नहीं? शार्को, ये बैलगाड़ी नहीं फरारी है, इसे ज़्विंग ज़्विंग करके चलाओ ना। दरअसल मैडम जी बात ये है कि हाँ याद आया, दरअसल मैडम जी कार का पेट्रोल खत्म हो गया है। अब क्या करूँ मैडम जी, कार में तो पेट्रोल ही नहीं है। शार्को, मैं तुम्हारे बहाने अच्छी तरह से जानती हूँ। मैडम जी बस 5 मिनट रुको, मैं 20 मिनट में आया। यूकी कितना मजा आएगा अगर कार मैं चलाऊंगी तो। बोले तो जब तक भाई का काम नहीं बन जाता तुम ऐसे स्टैचू बन के खड़े रहो शार्को। हाय मरीना, आज सपना होगा मेरा पूरा तुम्हें खाने का पुराना। तुम उस तरफ बैठो यार, कार मैं चलाऊंगा। वाव, मुझे कार चलाने से आज तुम तो क्या कोई नहीं रोक सकता। शार्को, यहाँ बैठो, तुम्हें सिखाती हूँ कार कैसे चलाते हैं। शार्को, अब अपना सीट बेल्ट का साथ साथ कमर का बेल्ट भी ठीक से बांध लेना, क्योंकि आज ये फरारी दौड़ेगी नहीं बल्कि उड़ेगी। लगता है आज मैडम जी फास्ट एंड क्यूरियस पार्ट 5 देख के आई है। ओ मैडम जी, मेरा छोटा सा दिल इतना बड़ा झटका नहीं सह सकता, जरा स्पीड कम करो मैडम जी। शार्को, तुम तो काफी कमजोर निकले, ये ट्रैफिक पुलिस यहाँ कैसे आई? ओए मुझे कोई हॉस्पिटल लेके चलो यार। बोले तो टेंशन मत लो, सरकारी जेल में तुम्हारे लिए फॉर्म भर के रखा है। यू आर अंडर अरेस्ट। बोले तो तलाशी लेनी पड़ेगी। यूकी, क्या मुझे जेल जाना पड़ेगा? नहीं, मैं जेल नहीं जाऊंगी, मैं यहाँ से भाग जाऊंगी।
देखा तेरी जिद का नतीजा। भाई बोले तो मुझे अकेले छोड़ के किधर जा रहा भाई? ओ मैडम जी मेरी कार, मैडम जी अभी तक मैंने इसका पहला इंस्टॉलमेंट भी नहीं भरा है, अब मुझे बाइक ऑर्डर करनी पड़ेगी। ऐसा कहते हैं फर्स्ट फ्लाइट सर्विस। ओ मेरी बाइक, बड़ा पैकेट छोटा धमाका। ओए सिंह के बच्चे अभी तुझे दिखाता हूँ। शहर को यह काम तू आज मरीना पर छोड़ दे, क्योंकि मरीना आज किसी को नहीं छोड़ेगी। मैं बच गया, ये कहां से आ गया? सेठ मैडम जी को खाने के बारे में सोचना भी मत। शहर को मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला, अभी तेरा पत्ता कट करता हूँ यार। अब तो चित भी मेरी और पट भी मेरी। वाव मरीना, तुम्हें खाऊंगा लगा के धनिया पुदीना। ओए सिंह, मैडम जी को बचाने के लिए मैं तो पाताल से भी लौट आऊंगा, तू तेरी सलामती के बारे में सोच। पापा! ओए बिना बेस के डीजे, चल निकल यहाँ से। बच गई, ये क्या फिर से? मैडम जी अब तुम्हें 50 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा, क्योंकि कीड़े ने आप पर केस ठोक दिया है। मेरी सारी सब्जियां गिरा दी, मेरे बच्चे घर में भूखे हैं, पता नहीं कैसे कैसे लोगों को लाइसेंस मिल जाता है। अरे मैडम जी बात को दिल पे मत लो। ये दोनों फिर आ गए, लिफ्ट दे दो रे यार। ज़िग और उसका दोस्त, चलो उन्हें लग देते हैं। बिना कुछ किए ही मुसीबत चली गई। वो दोनों कहाँ गए? I have no idea, मैडम जी। रोमांटिक मौसम में मान लो बीच रास्ते में अगर हमारी कार खराब हो जाए और वो एक ऐसी जगह जाके रुक जाए जहाँ हम प्यार भरी दो बातें कर पाए, तो बताओ ना मैडम जी आप क्या बातें करोगी? यूकी, सबसे पहले मैं कार ठीक करने के टूल्स ढूंढने की कोशिश करूंगी। शार्को तूने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है, अब तुझे अकेले ही रोमांटिक मौसम का मजा लेना होगा बस, क्योंकि यहाँ जिग और सर्किट को ऐसी लिफ्ट मिली है जो पता नहीं उन्हें कहाँ ले जाकर छोड़ेगी। कब से रास्ते पर कौवे की तरह नजर जमाए बैठा हूँ यार, अब तक मेरी बेबी सिस्टर्स आई क्यों नहीं? बदमाश का नाम लिया, बदमाश हाजिर, मैं यहाँ हूँ यार, इस तरफ। वाव, आए बड़ी भैया, कैसी हो सिस्टर्स? वाव, दिस इज पिकनिक टाइम। स्टॉप, तुम यहाँ पिकनिक मनाने नहीं बल्कि एक मिशन पर आई हो यार। देख क्या रहे हो, इनके हाथों से इनका लगेज ले लो। गुड, अब चलो मैं तुम्हें अपना राजमहल दिखाता हूँ। वाव, वेलकम टू स्वीट होम। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, तेरे इस स्वीट होम में चूहों के लिए भी जगह नहीं है। ये रहा तुम्हारा बेडरूम, मजा आया ना? ये कहाँ चली गई? रही मरीना, इसे खाएंगे तो लाइफ हो जाएगी चिंगा लाला। ओए जूनियर्स, कहाँ जा रही हो? लगता है तुम जिग के सिस्टर्स हो। तुम्हारे लिए गिफ्ट। मेरे लिए गिफ्ट? क्या बात है, थैंक यू। क्या बात है, मैं ये क्या देख रहा हूँ, मेरी सिस्टर्स कितनी प्यारी है यार, मेरा कितना ख्याल रखती है। चलो शुरू करते हैं। हाथ लगा पर मुंह नहीं लगा। Come on, मरीना को खाने का हक सिर्फ मेरा है, मेरा। ये तुम्हारा नहीं, हमारा शिकार है, तुम्हें सिर्फ ये मिलेगा। इससे तो मेरी चोंच भी गीली नहीं होगी। Come on, यार।
यार, मैं तो मजाक कर रहा था। लो तुम ही खाओ इसे, मुझे यह भी नहीं चाहिए। अब तो खुश हो ना यार। अगर मरी ना मेरी नहीं तो किसी और की भी होने नहीं दूंगा यार। मैडम जी मैं आ रहा हूँ। ये बात आज तो किस्मत भी साथ। इस मरीना फ्रैंक में तो स्टफिंग ही नहीं है। हेलो सिस्टर्स, तुम्हारे दिमाग की तरह ये भी खाली है। जग, तूने इन्हें इनविटेशन देकर खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। ओए, ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका यहाँ पर भी आ गई। ओ मरीना, आज बनोगी तुम हमारे स्पेशल खाना। ये तो मैडम जी को ले गए। मैडम जी, मरीना को बचाना होगा यार, लेकिन कैसे? आइडिया। सुनो सिस्टर्स, मेरे दो दोस्त तुम्हें सर्कस दिखाएंगे। तो मरीना, मुझे जल्दी से बदलना होगा तुम्हारा ठिकाना। जाओ तुम आजाद हो। ये आइडिया तो फ्लॉप हो गया यार। ये तीनों तो जासूस की तरह मरीना के पीछे ही पड़ गई है। कहीं से मुझे यहाँ देख ना ले। मैडम जी, चलिए मैडम जी, मैं आपको घर पहुंचाता हूँ। शर्को, आज तू चाहे कितने भी ताले लगा ले, जिग सिस्टर्स मरीना का पीछा नहीं छोड़ने वाले। ओए, ये मुसीबत यहाँ कैसे? यहाँ से भागने में ही भलाई है। ओह, बाल बाल बच गए। ओए, ये बदमाश यहाँ भी। मुझे यहाँ से भी भागना पड़ेगा। जिंदगी में बैलेंस कितना जरूरी होता है, मुझे इस बात का आज पता चला। ओए, भागो यहाँ से पापा। अब तो ये भी आ गया। शेर को मेरे दुश्मन जैसे दोस्त, मुझसे हाथ मिला लो यार। यहाँ कुआं वहाँ खाए, कहाँ जाएगा शेर को मेरे भाई? हम जीत गए, हम जीत गए। शार्को, हम आज से दोस्त हैं। इस मुसीबत से इतनी आसानी से छुटकारा नहीं मिलेगा। गोल गोल रानी, इनसे आज नहीं बच सकता जाने। यहाँ है पर मैडम जी कहाँ है? मरीना फिक्र मत करो, हम तुम्हें बचा लेंगे। अरे ये शार्को है, कोई पियानो नहीं जो इसे बजा रहे हो। अरे बस करो ना, कितना मारोगी? ठीक है, गुदगुदी करती है। ओ नो, मरीना कहाँ चली गई? वो यही है, इसका मतलब हमने बाजी मार ली, मरीना हमारी हो गई। ओ जग, चलो इन्हें ठिकाने लगाते हैं। ऐसे कहते हैं, सौ सुनार के एक लोहार के। तुम तो हमारे भाई हो, इसलिए हम तुम्हें रवाना करने आए हैं। बहना, खुश रहना। बाय बाय। इसे क्या हो गया यार? आप गेम जीत गई, लेकिन मैडम जी कहाँ चली गई? जग, ये जीत तुझे बहुत भारी पड़ेगा। बोल दिया, बस। Thank you.
है शार्को, ये रही तुम्हारी मरीना। ओए सेग, मुश्किल है अब तेरा जीना। ये करिश्मा कैसे हो गया? ये लोग कौन है यार? हेलो सर, हम आपके सर्वेंट्स हैं। इस फटीचर के पास खुद का कच्चा नहीं है, सर्वेंट्स कहां से आ गए? अपना मुंह बंद रखो और यह देखो, ये हमारे फोकटिया नगरी के राजा हैं। मुझे भी तो दिखाओ। जिग महाराज की जय हो। क्या बात? मुझे तो मेरी आंखों पर खुद को यकीन नहीं हो रहा है यार। कैसा लगा आपको ये बंगला? ठीक है, लेकिन ये क्या है, इसे दबा के देखता हूँ। अरे जिग, तेरी किस्मत तो चमक गई। हमारे राजा को हाथ नहीं लगाना। जिग, ये दोनों तेरी ढीली बॉडी के बॉडीगार्ड है। जब भी तू ये बटन दबाएगा, ये तुझे बार बार प्रोटेक्ट करने के लिए आएंगे। अब आएगा मजा। मरीना, आज तो तुम्हें खाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। ओए सिंह, तेरी इतनी हिम्मत? बड़ा आया मैडम जी को खाने वाला। बोले तो मुझे इनकी दाल में कुछ काला लगता है आज। सर, ऐसे बार बार बटन दबा के हमारा टाइम वेस्ट मत किया करो। अंडरस्टैंड? बेटर यू अंडरस्टैंड। मरीना अकेली है, अभी मारता हूँ मौके पर चौका यार। बचाओ! सर बुला रहे हैं, जल्दी चलो। खबरदार! चिल गाइस चिल, चलो पीछे हटो, ये मेरी खास मेहमान है यार। खेलेंगे लेकिन बाद में। ओए सिंग, मेरे प्यारे दुश्मन, मैडम जी को कहां लेके जा रहे हैं? काम डन डन आ डन। उठाओ ना, खड़े खड़े मेरे मुंह क्या देख रहे हो यार? ए शार्को, दम है तो यहाँ देखो, ये लो। ओए, मुझे तो चीनी कम समझता है, तो पानी कम है। छोड़ दे मुझे वरना। फिर से इमरजेंसी, चलो देखते हैं। रे बोलो तो भाई, का शानदार महल मुझे जेल जैसा क्यों लग रहा भाई? लगता है आज मेरी पिटाई पक्की। खबरदार, हमारे राजा को हाथ भी लगाया तो। शार्को, आज तूने गलत वक्त पर जिग के साथ पंगा ले लिया है, इसके दोनों बॉडीगार्ड तुझे नहीं छोड़ेंगे। मिशन कंप्लीट। क्या बात! ओए जिग, तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। आज मेरे रास्ते का कांटा साफ हो गया, मैं जा रहा हूँ मरीना को खाने। हमारी इजाजत के बिना तुम कहीं नहीं जाओगे क्या? ये क्या है, मैं इसमें कैद कैसे हो गया यार? बचाओ! अरे मेरे राजा, डरने की कोई बात नहीं, हम लोग है ना। अरे बोलो तो, इन्होंने तो भाई के ताजमहल में ही भाई की समाधि बना दी है। चलो मशीन का उद्घाटन करते हैं। क्या बात, हमारी मेहनत सफल हो गई, अब इस खिलौने से हम खूब पैसा कमाएंगे। जिग को राजा बनाना तो एक बहाना था, दरअसल उसका खिलौना बनाकर उसे मार्केट में बेचना था। बोलो तो भाई, टेंशन मत लो, ये सर्किट आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा भाई। सर्किट मुझे बचा ले यार। ओए बिना तीर के तीर कमान, तुम्हें मैं अपने 2.5 किलो के हाथ का दम दिखाने आया हूँ। नाराज मत होना, ये लो तुम्हारे लिए जिग का खिलौना, गुस्सा थूक दो। क्या बात! ठीक है, मुंह पर नहीं साइड में जाके थूकता हूँ। भाई बोले तो लगता है इन्होंने बिल्डिंग से ज्यादा खर्चा इस कांच पर किया। भाई ये कांच टूटते क्यों नहीं?
बोले तो अब ताकत से नहीं, दिमाग से काम लेना होगा भाई। एक केले के वजन से ये कांच कैसे टूटेगी यार? जग, यह है सर्किट का दिमाग का कमाल, जैसा तू नहीं समझेगा। ये आवाज कैसी? ए चिलगोजे, तूने हमारी मेहनत को मिट्टी में मिला दी। अब मैं आजाद हूँ, आजाद पंछी की तरह रहूंगा यार। ओए, हमारे होते तू आजाद रहने की सोच भी नहीं सकता। बचाओ यार। ये हमारा राजा नहीं है, समझी? मैडम जी की जान खतरे में है। इन क्रोकोडाइल की जबान को ज्यादा ही लंबी हो गई है। ओए, मैडम जी आप सेफ हो, लेकिन अब इनकी जिंदगी अनसेफ है। ओए बिना गुटली के आम, अभी करता हूँ तुम्हारा काम तमाम। अरे टेंशन मत ले, ये ले एक पर एक खिलौना फ्री। इन क्रोकोडाइल को अब वापसी का रास्ता दिखाता हूँ। जहाँ से आए थे वहीं चले जाओ। बोले तो क्या समझाया शार्कू भाई, उनकी अकल तो अब तक ठिकाने लग गई होगी। मैडम जी का खिलौना, कहे उसने मैडम जी को तो नहीं पकड़ लिया। यहाँ तो सबके पास खिलौने हैं, क्योंकि देखो ना खुद ही पोज दे रहे हैं मरीना। हेलो मैडम जी, चलो हमें इस बार लगता है खिलौने से ही काम चलाना होगा। कोई बात नहीं,